जिला प्रशासन के द्वारा सड़क के किनारे फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को रैन बसेरों में करवाया जा रहा है शिफ्ट। फिर भी रैन बसेरे में जाने के बाद कुछ लोग दोबारा सड़क के किनारे फुटपाथ पर डाले हुए हैं डेरा। सभी रैन बसेरे नजर आए लगभग खाली। SDM सदर नेहा बंधु ने लोगों से की अपील, कहा रैन बसेरे में रुकने की है पूरी व्यवस्था, ना सोए फुटपाथ पर। कूट रचित वसीयत तैयार कर मकान हड़पने वाला शातिर अपराधी सुनील चौधरी उर्फ सुनील सिंह को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सहजनवा से दोहरी घाट के मध्य नई रेल लाइन बिछाने के संरेखण में पड़ने वाले भूमि के अर्जन के संबंध में रेल प्रशासन एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक बांसगांव के सांसद के अध्यक्षता में हुई संपन्न। बांसगांव सांसद कमलेश पासवान ने प्रभावित काश्तकारों को समय से तथा उचित मुआवजा का शीघ्रता से वितरण के दिए निर्देश। फर्जी खाता खोलने वाले जनसेवा केंद्र के संचालक विशाल कुमार गुप्ता को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले दोपहिया चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, हेलमेट नहीं लगाने वालों का किया चालान। और स्वच्छता पखवाड़ा के तहत नगर निगम की टीम ने NCC के बच्चों के साथ चलाया विशेष सफाई अभियान। महानगर के विभिन्न चौराहों पर लगी महापुरुषों की मूर्ति को किया साफ।